हाय एवरीवन, सो दिस इज़ द ड्रेस आई मेड एंड ये मैंने 4 घंटे में बना ली थी, तो ये बहुत इजी है। चलो इसको बनाते हैं साथ में। एंड सबसे पहले मैंने इसका डिज़ाइन बनाया था, जैसे भी मुझे ड्रेस चाहिए थी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर का सैटन फैब्रिक यूज़ किया है, जो कि मुझे लोकल स्टोर पे मिल गया। फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड्स किए हैं एंड साइड्स को पिन अप कर दिया है, ताकि वो अपने जगह से हिले ना, क्योंकि सैटन फैब्रिक बहुत इधर उधर होता है। एंड देन मैंने जो भी अनइवन पार्ट था वो कट कर लिया है। एंड मैंने अपनी साइज़ की एक ड्रेस ली, जिसको रख के मैं मार्किंग करूँगी ड्रेस। सो आपको एक ऐसी ड्रेस लेनी है जो आपको अच्छे से फिट आती हो। एंड ट्राई करना कि कॉटन मटेरियल की आप ड्रेस लो, क्योंकि कॉटन मटेरियल इतना स्ट्रेच नहीं होता, तो इसलिए उसके हिसाब से मार्किंग करना ईजी रहता है। और मैंने जो ये फैब्रिक लिया है वो सैटन है, तो सैटन भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता। सो अब हम फैब्रिक को कट कर लेंगे, साइड से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे ताकि हमें हेमिंग के लिए इजी रहे। एंड बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल मार्किंग जहाँ की है वहीं पे हमें कट लगाना है, क्योंकि हमारे पास स्टिचिंग के लिए भी फैब्रिक होना चाहिए। देन मेरे पास जो नीचे का फैब्रिक बचा था, मैंने उसको जो अपनी ड्रेस है उसके आर्म होल पे प्लेस किया है। एंड देन उसको मैं एक मार्किंग मार्कर की मदद से इसको ट्रेस कर लूँगी एंड इसको कट कर लूँगी। और आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर का कपड़ा ऑन फोल्ड हो। देन मैंने जो स्लीव का एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। एंड मैंने स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग रखी है, तो आपको जितनी भी लंबी या छोटी स्लीव चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है। देन मैं जो स्लीव्स है उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ, उसको स्ट्रक्चर दे रही हूँ थोड़ा सा, देन कट कर लिया। देन मैंने थ्रेड ले लिया है एंड मैं मशीन को अपनी सेट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये मशीन है ऑटोमेटिक, एंड ये काफ़ी अच्छी मशीन, एंड ये ब्रदर कंपनी की है, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एंड इस पे अच्छे से सारे कपड़े स्टिच हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सैम्पल फैब्रिक पे स्टिच किया है, ताकि मैं देख सकूँ कि इसकी सेटिंग्स अभी ठीक है या नहीं। देन मैंने जो ड्रेस है उसकी साइड स्टिच की है, तो जो फैब्रिक का सीधा पार्ट होता है मैंने उसको पहले स्टिच किया है। देन मैं इसको उल्टी साइड से स्टिच करूँगी, ताकि कोई भी जो धागे हैं वो निकले ना, क्योंकि सैटन ऐसा फैब्रिक होता है जिसमें धागे निकलते ही हैं। आप ओवरलॉक भी करवा लोगे अगर, तो भी वो फैब्रिक के धागे निकलते हैं। दैट्स वाई मैंने ये स्टिचिंग मेथड अपनाया है, ताकि मुझे इसकी टेंशन ही ना लेनी पड़े। एंड इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप भी इस तरीके से अगर अपने फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो आपके ड्रेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब मैं इसका नेक स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने पहले क्या किया है, पहले एक फोल्ड किया है। इसमें इस फैब्रिक में क्या होता है कि हमें बार बार पिनअप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने पहले एक स्टिच किया है, देन उसी को फोल्ड करके दूसरा स्टिच किया है, ताकि मुझे ज़्यादा पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत ना। तो मैंने ड्रेस को पहन के स्लिट डिसाइड कर लिया था कि मुझे कहाँ पर चाहिए। देन मैंने इसको उतार के मार्किंग की। आपको इसके बाद सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है मार्कर से एंड उसको कट कर लेना है। देन मैंने एक पट्टी ली है फैब्रिक की, जिससे मैं जो स्लिट है उसको एक नीट फिनिशिंग लुक दे पाऊँगी। एंड क्योंकि अगर आप स्लिट को ही फोल्ड कर दोगे तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप इस पे कपड़ा लगा के इसको फिनिशिंग देते हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक पट्टी लगाई है फैब्रिक की। तो मैं यहाँ पे एक पीको फुट यूज़ कर रही हूँ। वो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्लीव्स पे इलास्टिक लगानी थी दोनों साइड,
ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया क्योंकि मेरे पे ज़्यादा भी फैब्रिक नहीं था स्लीव्स पे, नहीं तो अगर मैं दो बार फोल्ड करती तो वो ज़्यादा ही फैब्रिक चला जाता और मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक बचता नहीं, बहुत छोटी स्लीव्स हो जाती। दैट्स वाई मैंने इसको पहले पीको किया है, देन मैंने इसकी पॉकेट्स बनाई हैं इलास्टिक के लिए। तो दोनों साइड मैंने इलास्टिक लगाई है। आपको इलास्टिक कितनी लेनी है, जितना भी आपका फुल स्लीव्स हो, ठीक है, आपको उसका हाफ उसमें इलास्टिक लेनी है, एंड देन आपको उसको स्टिच कर देना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स की साइड्स को स्टिच कर रही हूँ, और ये स्टिचिंग भी मैंने बिल्कुल वैसे ही की है जैसे मैंने ड्रेस की थी। एंड अब हम इसको ज्वाइन करेंगे ड्रेस के साथ। तो ड्रेस को और स्लीव्स को पहले सीधा रखना है, पहले सीधे रख के हम स्टिचिंग करेंगे, देन इसको फोल्ड करके उल्टा करके स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ से भी हमारा फैब्रिक बहुत अच्छे से स्टिच होगा और कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। सो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग लुक आया है और कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस भी। तो अब हम इसकी जो बॉटम की हेमिंग है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बार स्टिच किया है, देन सेकंड टाइम स्टिच किया है। तो ऐसे ही हमारा ये ड्रेस बनके तैयार है। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। मैंने बहुत टाइम बाद स्टिचिंग फिर से की है, तो आई डोंट नो, इतना फिनिशिंग तो नहीं है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।